हेलो यारो, इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी गोवा की एक भयानक मच्छरों वाली रात और बहुत सारा घूमना। एंड में एक गाना भी है। गुड मॉर्निंग। इस पूरे हफ्ते में हमने गोवा की बारिशें देखी, रात को हमारे पे होने वाला मच्छरों का अटैक देखा, एक दो चीज़ें देखी, बस मौसम खराब था, ज़्यादा बाहर नहीं गए। हम लोग घबराहट में सो नहीं पा रहे हैं और अभी मैं दिख भी नहीं रहूँगा, लाइटें बंद कर रखी क्योंकि हमारे घर में टिड्डी दल का अटैक हो गया। रात के 2 बजे चल रही है घर में छोटी सी सफाई क्योंकि बहुत सारे मच्छर आ गए थे एकदम से, लाइट वाले जीरा मच्छर। सोने की तैयारी कर रहे थे, कमरे में एक मच्छर आया, वो एकदम से मल्टीप्लाई हो गए, 2 हो गए, फिर 3 हो गए। ये हमारी लाइफ में आधी रात को मैन वर्सेस वाइल्ड जो हुआ है, पूरा पिराना या जुमानजी जैसी मूवी लग रही है। देखो ये उड़ता हुआ जा रहा है, जो कल टिड्डी दल का हमला हुआ था हम पे, अब चलने लग गए। ये देखो हद हो गई। सैटरडे और हम कहीं जा रहे हैं अब। थोड़ा सा ट्रैफिक जाम है मवेशियों का। ये नर और मादा है, भीड़ में कुछ खाना ढूंढ रहे। तो हम गोवा के एक लोकल विलेज के बीच में से निकल रहे हैं। दिस इज रिवर साल, जो हमारे घर के पीछे से बहती है। वो बेतुल बीच है, उसके पीछे मोबोर बीच है, फिर कावला सिम, और हम आ गए हैं बेतुल फोर्ट। बेतुल फोर्ट इज द ओनली फोर्ट बिल्ट इन गोवा बाय शिवाजी महाराज। थोड़ा सा हाइक करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो साल रिवर है ना, ये रिवर आ रही है और ये अरेबियन सी में मिल रही है, तो दैट इज अरेबियन सी, यह साल रिवर। तो बीच में है पूरा गोवा का जो आइलैंड है। एंकर में ये सोचे थे कि अगर कल रात को मच्छरों के आतंक के टाइम हमें इस फोर्ट के बारे में पता होता, यहीं से गोला दागते। बेतुल फोर्ट ऊपर है और हम उसके नीचे ही हैं। और इसके बाद मयंक और मैं समुद्र के किनारे लहरों का मजा लेके लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे, जैसे कि लाइफ में आज शाम को हम क्या खाने वाले हैं। फिश आएगी तो थोड़ा फिश आएगी तो खींच जाएगी, वो मशीन ऑटोमेटिकली चलना शुरू करेगी। तो मैं बता देता हूँ, इसका कॉस्ट होता है कुछ 3-4 हज़ार रुपये। महंगा आता है ये क्योंकि एक बार यूज हो जाता है और इसमें अगर बल्ब पड़ जाते हैं या फिर नॉट्स पड़ जाते हैं फिर खराब हो जाता है, तो ये होता है 400 रुपये का रोल। यहाँ पे लोग फिशिंग अपने एंजॉयमेंट के लिए भी करते हैं और खाने खाने के लिए भी, और रोजगार तो है ही है। सो दिस वॉज बेतुल फोर्ट और अब यहाँ से निकलते हैं आके। जैसा कि बताया, गोवा में हिस्ट्री की बहुत सारी जगह है, उनमें से एक थी ये। मजा आया, अच्छा दिन। एक रात पहले के मच्छरों के आतंक से हम इतना घबराए हुए थे कि पूरे कमरे में अंधेरा करके मूवी देखी। तो हम लोग निकल पड़े हैं, आज धूप बहुत ज़्यादा है, तो धूप के अंदर धूप वाली जगह पे घूमने का बहुत मन कर रहा, तो हम जा रहे पंजिम। कोई सेंस नहीं बना इस बात का, एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी और हमने ना 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस। पहला रीज़न है स्टारबक्स, क्योंकि स्टारबक्स गोवा में बस पंजिम में है और दीक्षा को पिछले बहुत दिनों से तलब उठ रही है। अमेरिकन चीज सुप्रीम बर्गर, वो मैकडी का जो अमेरिकन चीज सुप्रीम बर्गर है, वो बस उन्हीं लोकेशंस पे मिलता है जहाँ पे फॉरेनर्स ज्यादा विजिट करते हैं। तो गोवा में बस 3 ही मैकडॉनल्ड्स हैं, वो भी नॉर्थ गोवा में, जो साउथ गोवा तक नहीं आते। तो जो लोग साउथ गोवा रहते हैं उन्हें मैकडी से थोड़ा करना पड़ता। वर्ल्ड के जो टॉप 10 चर्चेज हैं बेस्ड ऑन देयर ब्यूटी, पीपल विजिट देम इन एन ईयर और इन अ डे। इसके अंदर 4 चर्चेज में मैं और दीक्षा जा चुके हैं, तो आज हम जाने वाले इंडिया के टॉप 10 चर्चेज में टॉप 2 में। शो खुश हो जा। तो जिस चीज का इंतजार हमें पिछले 15 दिनों से था वो आ गया है। स्टारबक्स आ गए हैं दीक्षु के लिए कॉफी के लिए, 15 दिन से वेट करी थी इस कॉफी का, और पंजिम बहुत दूर पड़ता है इसलिए हम आ नहीं रहते यहाँ पर। गोवा में बस एक ही स्टारबक्स है, वो यही है। बहुत महंगी चीज दिखाऊं आपको, ये जो हरे वाला मग दिख रहा है, मग सभ्यसाची ने बनाया है, ये 2500 रुपए का है।
मानू मुझे सभ्यसाची का लहंगा भी नहीं पसंद, ये कैंसिल करो। सेकंड स्टॉप आ गए हम मैकडोनल्ड्स, और मैकडोनल्ड की भी स्टोरी है ये कि गोवा में बस 3 मैकडोनल्ड्स है, वो भी नॉर्थ में या पंजिम में पड़ते हैं, तो साउथ गोवा वालों को मैकडोनल्ड्स के लिए यहीं आना पड़ता है, डिलीवरी नहीं होती ज़्यादा दूर तक। और इनका अमेरिकन चीज सुप्रीम इज लव। इतने खुश होके मैकडोनल्ड का ऑर्डर किया जा रहा है कि पूछो ही मत। इस मे आई आस्क व्हाट इज योर एज? मैकडोनल्ड्स में थी बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, तो हमने खाना करा लिया है पैक, और इसे खाते खाते अब हम जाएंगे ओल्ड गोवा, और लिटरली हम खाते खाते ही जाएंगे अब तो। और अब हम पहुंच गए हैं ओल्ड गोवा में बॉम जीसस बेसिलिका चर्च के कंपाउंड में। आसपास दुकानें और ये पूरा कंपाउंड है इसका। एंट्री कहाँ से? यहीं से। थैंक यू मैम। नहीं नहीं नहीं, कोई एंट्री चार्ज नहीं है बिकॉज इट्स अ चर्च। आ गए बॉम जीसस बेसिलिका चर्च में, ये रहा एंट्री, उस तरफ से अंदर चलते हैं। This was Basilica of Bom Jesus. एक तो संडे है, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा फेमस स्पॉट है ओल्ड गोवा में, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़। सो दिस वॉज बॉम जीसस बेसिलिका इन ओल्ड गोवा। इतने बिजी डे पे भी मुझे एक खाली चेयर मिल गई, तो मैंने आते जाते लोगों को देखा। वैसे ये लोकेशन आपने सिंघम मूवी में ज़रूर देखी होगी। सो ये है पूरा कंपाउंड। तो ये है ओल्ड चर्च ऑफ गोवा। जब भी आप लोग गोवा आते हो तो पंजिम में ना घूमने के बहुत सारे स्पॉट हैं, क्योंकि पंजिम एक सेंट्रल है, इनका कैपिटल भी है। तो लिस्ट बनाओ कि ओल्ड में जाना है, साउथ में जाना है, नॉर्थ में जाना है, और बस अपनी जगह कवर करते रहो। इस तरफ एक चर्च और उस तरफ एक चर्च, इन दोनों को करने के बाद अब जा रहे हैं हम तीसरी जगह। कहाँ जाने वाले ये तो पता नहीं है, खाना खा लिया था तो अभी सुसु ब्रेक लड़को। बाकी अगर ये ब्लॉग देख रहे हो अभी तक, अभी आने वाली तीसरी जगह भी है, तो विक्रम अपलोड सब्सक्राइब कर लेना बस, ठीक है? मिलता हूँ थोड़ी देर में। खाने पीने की बहुत सारी जगह है, तो आप कुछ भी खा सकते हो, घर के लिए सोविनियर ले सकते हो, बहुत सारा सामान है जो आप खरीद सकते हो, और यहीं पर आप एक और चीज़ ले सकते हो, वो है ये। आपने देखा कि यहाँ पर डॉल के पीसेस, घर वर प्लास्टिक के, बहुत ही ज़्यादा गॉथिक एनवायरनमेंट ये मिलता है, क्योंकि जिसको जो चीज़ नहीं होती वो चीज़ यहाँ ऑफर करता है बॉम जीसस के चर्च में, तो उसे वो मिल जाती है, ऐसी मान्यता है। आप लोग ये मानते हो तो प्लीज़ आओ और चढ़ाओ। ये है सेंट जेवियर की मम्मी। सेंट जेवियर, स्वयं सेंट जेवियर ही है वो। हाँ भाई, उनकी मम्मी। हाँ, उसका मम्मी है। तो हर 10 साल में बॉम जीसस से उठा के ओल्ड चर्च में लेके जाते हैं दिखाने के लिए। दिसंबर 3rd को मेला जैसा लगता है। तो जब भी गोवा में आओ, नेक्स्ट टाइम आओ, तो पंजी के अंदर ओल्ड गोवा का जो चर्च कंपाउंड है, दोनों चर्चेज में जरूर आना। मन में कुछ भी मान्यता है और कुछ भी आपको विश है जो आप चाहते हो गॉड पूरी करे, उसे जरूर मांगना। अब चलते हैं तीसरी लोकेशन पे। बाय। दीवार आइलैंड की फेरी में, दीवार आइलैंड जा रहे हैं बस सामने वहाँ पर,
उसका जो ब्लॉग है हमने लास्ट में बनाया था, जर्नी तो सेम ही है, तो ब्लॉग के लिए ऊपर लिंक आ रहा होगा, देख लेना बस। अब दो और तीन, हमारे तीन बडिंग फोटोग्राफर्स। चले हमारे इस व्लॉग में आपने अब तक देखी हमारी गोवा में मच्छर आने के बाद नींद की क्रेविंग, अगले दिन कॉफी की क्रेविंग, पुरानी जगहों को ढूंढने की क्रेविंग, बर्गर की क्रेविंग, लेकिन इन छोटी मोटी क्रेविंग्स के साथ सबसे बड़ी क्रेविंग जो कि है घूमने की क्रेविंग, एक्सप्लोर करने की क्रेविंग। मैं इसमें जितना दूर जाता हूँ उतना ही अपने या अपनों के आसपास आ जाता हूँ। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना ध्यान रखना, और इस टाइम सनसेट के टाइम मेरे मन में जो गाना चल रहा था वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, दो दिलों ने के मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।